प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। गुड़ विधानसभा से प्रदेश के सबसे युवा प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से प्रखर प्रताप सिंह ने पर्चा दाखिल किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गुड़ के विकास का एक नया खाका खींचा। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज आपने नामांकन दाखिल किया जी, आगे क्या रणनीति है चुनाव लड़ने वाला? अभी अंदर तो चौथा नंबर चल रहा है, छठवां मेरा है, तो अभी थोड़ा समय है नामांकन दाखिल होने में। बाकी आज सुबह से जो हमने एक नामांकन रैली का जो आयोजन किया था, उसमें मतलब एक कहानी बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इसमें पहला कदम बढ़ाया था तो बब्बा जी से हमेशा सवाल किया करता था कि बब्बा जी, ये सब लोग मुझे जानेंगे कैसे, लोग मुझे समझेंगे कैसे। अभी तो बच्चा ही था और अब भले सक्षम हो गया हूँ, मगर लोगों का विश्वास कैसे मेरी तरफ होगा। तो आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने जब मुझे निर्देश दिया और हम इस बदलाव के संघर्ष में आगे बढ़ गए, और आज नामांकन रैली के आयोजन में जो मैंने सहयोग देखा, मतलब सच बताऊं तो मेरी आदत नहीं है, क्योंकि काफ़ी साल मैं उस देश में बिताया है जहां पे कोई भी किसी के लिए भी बिना किसी स्वार्थ के कुछ नहीं करता, और आज ऐसा सहयोग देख के सच बताऊं तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। थोड़ा मन भर सा गया है, जोश आ गया है। अगर कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं थी, क्योंकि कहीं भी मैं, मेरा जो पिछला इतिहास रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी काम करने गया है उसको पूरी सफलता के साथ पूरा किया है, मगर और भी अच्छा बल आज का जो सहयोग मिला है मुझे, आज के जो लोग आए थे मुझे आशीर्वाद दिया, तभी थोड़ा लेट भी हो गया मैं, मगर आज भेंट के रूप में काफ़ी सारा आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। आम आदमी पार्टी ने गुड़ क्षेत्र के विकास के लिए आप कितना स्वस्थ हैं? गुड़ क्षेत्र का विकास देखिए, पहले ही हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है, उसमें मैंने आपको बताया है कि मेन इशू जो समस्या है अपने क्षेत्र में, पहली बात जैसे चैलेंज अपन कहें तो डिक्शनरी के हिसाब से चैलेंज तब होता है जब वो दिखता ना हो। अगर कोई चीज़ सामने है तो वो चैलेंज नहीं है, वो मात्र एक समस्या है। और गुड़ क्षेत्र में सिर्फ छोटे विकास की समस्या है, और जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, और जो मेरा खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें यही होता है कि अगर अच्छी नीयत से, प्रबल इच्छा शक्ति से जनसेवा करने की अगर संचालन हमारे इंस्टीट्यूशंस का, हमारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर किया जाता, उतना ही कर दिया जाता, बहुत ज़्यादा ना किया जाता, उतना ही कर दिया जाता, तो आज शायद मेरी ज़रूरत यहाँ नहीं होती। तो समस्या है सिर्फ मूलभूत सुविधाओं की, छोटे विकास की, जिसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि समय बहुत ज़्यादा जाता है मगर बजट बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से शायद छोटे विकास अभी तक नहीं हुए हैं। कई सारी चीज़ें हैं कि बताया जा रहा है कि ओपन जिम्स के लिए फंडिंग दी गई है, मगर अभी तक मुझे ओपन जिम तो दिखा नहीं है। बाकी इन सब समस्याओं पे अपन चुनाव में अभी काफ़ी दिन है और क्षेत्र में भी काफ़ी समय मिलेगा, तो हम इन मुद्दों पे आगे विस्तार में बात कर सकते हैं, मगर मेरा फोकस एरा पशुओं की जो व्यवस्था है उसका है, और छोटे विकास के लिए जितना भी मेरे साथ मेरा अनुभव है, मेरी सोच है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ छोटा विकास किया जाए और मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के बारे में ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।